हेलो, क्या चल रहा था? कैसे हैं सब लोग? सर एक्चुअली कल ठीक सर मेरी क्लास आपकी मिस हो गई थी बिकॉज मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था और ओके, बिल्कुल ही नो डाउन हो गया था, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो प्रॉब्लम, आज आपका ज्वाइन वो करते हैं। रिकॉर्डेड वाला लेक्चर मैं कल देख रहा था, बट वो उसमें भी कुछ दिक्कत हो रही थी, बट मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे की चीजें समझने की कोशिश करना, समझ में आएंगी, करेंगे हम चीजों को उस तरीके से कि हाँ क्लियर होगा, नो वरी। चलिए, बाकी लोग बताइए क्या चल रहा था, हमने कल क्या किया था, कहाँ तक लिखा था हमने कुछ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ओके, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउंस में हम लोगों ने क्या किया था, समझा था बस कि कहाँ तक है, ईच एंड एवरी फ्रॉम हियर यू वांट टू स्टार्ट टुडे, या राइट करें। सर एक चीज चलिए, पूछनी हाँ जी पूछिए। थी। सर आपने यूज ऑफ सब्जेक्टिव वाला कराया था, उसमें वॉज वाला एक बार बता दीजिए। इट वॉज आई, ऐसा? हाँ, हाँ, इसमें नहीं पढ़ा था कि जब भी हम इस तरीके से सेंटेंस लिखते हैं ना, इट वॉज मी, जनरली हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग लिख रहे होंगे, जैसे अगर कोई बोलता है इट वॉज मी हु हेल्प्ड हिम, वो मैं था जिसने उसकी मदद करी, ठीक है? तो यहाँ पे ये बोला गया कि सर आप कुछ लिख रहे हैं? सर यस, शो नहीं हो रहा। किसी को भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर, दिख दिख रहा है? रहा है सर, दिख अच्छा, आप एक बार रिफ्रेश करके देखो फिर। दिखना शुरू हुआ आपको? यस चलो चलो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पढ़ा था हम लोगों ने, जो इट वाला था, जब हम बोलते हैं इट वॉज मी हु हेल्प हिम, ठीक है? तो इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे जो मी की जगह पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, वो था, ठीक है? तो यहाँ पे यानी कि हम लोग जो इज एम आर वॉज वर ये जब भी लिखते हैं और इस तरीके से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं एस एस के साथ में, तो यहाँ पे जो हम लोग ये लिखते हैं हमारे क्या साथ है, सब्जेक्टिव के साथ है। क्लियर? ओके चलिए, तो हम लोगों ने कल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, और साथ में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज भी बताया होगा। हम लोगों ने शायद इसी तरीके का सेंटेंस पढ़ा था, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, ठीक है? और इसी को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ईच बॉय गेट्स अ प्राइज, है ना? तो यहाँ पे हमने देखा था, अगर ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो नाउन आपका प्लूरल आएगा, अगर आप डायरेक्ट इसके साथ में लिख रहे हो तो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, और वर्ब तो ऑलवेज सिंगुलर ही आना है इस केस में, ठीक है? तो दिस वाज द आइडिया ऑफ यूजिंग ईच इन अ सेंटेंस। और यहाँ पे हमने बस इतना बोला था कि ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी जब इसे डायरेक्ट नाउन से पहले लिखते हैं तब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और जब ऑफ द इस तरीके से लिखते हैं तब इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ना? कुछ आई गेस क्वेश्चन भी देखे थे हमने एक दो, इस पे और भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ईच और एवरी, ठीक है? ईच के साथ हम लोग सिंगुलर लगाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ईच रेफर्स टू ए टोटल ग्रुप, ईच, सॉरी, ईच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल की बात करता है,
रेफर करते हैं इंडिविजुअल को, इसलिए इसके साथ सिंगलर आता है। एवरी के साथ भी सिंगलर आता है, पता है ना हमें, ठीक है, सिंगलर मतलब वर्ब हो या प्रोनाउन हो, सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें कई बार ऐसा डाउट हो जाता है कि यार किस तरीके से लिखने वाले हम लोग। जैसे अगर ऐसा लिखा जाए एवरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट ठीक है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हिस्सा जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है ना कि जब हम लोग एवरी की बात कर रहे थे तो दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है कि एवरी मतलब सारे लोग, सारे मतलब ज्यादा ज्यादा मतलब प्लूरल, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लगता है। लेकिन एवरी के साथ भी आपका क्या आता है, जो नाउन आएगा वो भी सिंगलर आएगा ऑफकोर्स, और साथ में जो प्रोनाउन यूज करोगे, जो वर्ब यूज करोगे, जैसे एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल वट एवर, अगर आप कुछ भी बोलना चाहें एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन फेट, ऐसा कुछ बोलिए, यानी हर एक पर्सन जिम्मेदार है अपने लिए जो भी कुछ बोल रहे हो। तो मेन चीज ये कि एवरी पर्सन का जो वर्ब यूज करोगे वो सिंगलर आएगा, साथ ही साथ प्रोनाउन भी कैसा आएगा आपका, सिंगलर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे, तो ईच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल व्हाइल एवरी रेफर्स टू द टोटल ग्रुप, एवरी रेफर्स टू द टोटल ग्रुप, यानी एवरी आपका क्या करता है, टोटल ग्रुप की बात करता है, ठीक है, टोटल ग्रुप को रेफर करता है। ओके, नेक्स्ट इज Each is used when the number in the group is limited and definite. ठीक है, जब सेंटेंस के अंदर सर प्लीज क्लॉज हैव टू राइट, ओके यू कैन राइट, ठीक है, ईच इज यूज्ड, I can do one thing. This is not required. So each is used when the number in the group is limited and definite. Each हम लोग use करते हैं जब कोई भी जो number दिया है group के अंदर, जिस भी चीज की बात करें, जिन भी चीजों की, वो कैसा है, limited है और definite है, यानी कि defined है, ठीक है। यहीं पे हम लोग देख सकते हैं, every is used when the number is indefinite, ठीक है, every यूज करते हैं जब लोग, जो हमारा नंबर जो होता है वो कैसा होता है, indefinite होता है। क्या मतलब होगा इसका समझेंगे, यहां पर मेन चीज ध्यान देने वाली है कि ईच यूज होता है इंडिविजुअल, रेफर करता है इंडिविजुअल को, और ये टोटल ग्रुप को रेफर करता है, इसलिए सिंगलर होता है। एंड ईच यूज करते हैं जब नंबर लिमिटेड और डेफिनेट है, एंड एवरी जब नंबर हमारा इनडेफिनेट है, यानी कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। चलिए अब वो एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे अगर बोलता हूं यहां पे बस इसके यूज को समझ रहे हैं कि इफ यू हैव टू राइट इट समवेयर, तो खुद समझ पाओ कि कैसे यूज, ईच यूज करना है, कैसे एवरी यूज करना है, ठीक है। फाइव बॉयज वर seated on each bench, ठीक है, five boys were seated on each bench, तो जहां पे एक definite number involved है, जहां से पता चला कि हर एक सीट पे पांच लोग बैठाए जा रहे हैं, तो of course definite लोगों की बात हो रही है, definite चीजों की बात हो रही है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ईच यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऑडिटोरियम में पहुंचे और आपने देखा वहां पे सारी सीट्स भर गई हैं, ऐसे टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरी सीट was taken, ठीक है, एवरी सीट was taken, तो यहां पे क्या होता है, जब आप टोटल ग्रुप को रेफर कर रहे हो इसलिए सिंगलर आता है, ठीक है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल ग्रुप की। तो याद है हम लोगों ने जैसे जिस तरीके से कलेक्टिव में हम लोग पूरे ग्रुप को कंसिडर करते हैं तब सिंगलर मानते हैं, वैसा केस यहाँ पे फॉलो होता है। तो अगर मुझे लिखना होगा, अच्छा देखो, अगर अगर ऐसा होता है कि आपको पता है कि वहां पे 200 सीट है उस हॉल में, और तो आप क्या बोलोगे, अगर आप नंबर डिफाइन कर दोगे कि 200 सीट थी और हर एक सीट भर गई थी, देन यू कैन यूज ईच, और अगर आप रेफर डिफाइन नहीं कर रहे हो कितनी सीट थी ऐसा कुछ, देन यू यूज एवरी, ओके।
एक और देखते हैं इसमें एग्जांपल. इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माय हॉलीडेज. ठीक है, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माय हॉलीडेज बिकॉज मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कितने दिन के लिए हॉलीडे पे था, ऐसा कुछ एवरी डे. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ I was away for 10 days. मैं 10 दिन के लिए गया हुआ था. I was away for 10 days and it rained each day. ठीक है, तो मैं 10 दिन के लिए गया था और हर एक दिन बारिश हुई. तो whenever you define the number of person or days or whatever which is given in a sentence, so you can use each, and agar wo define nahi hai then you can use every, right? Kal isi class mein someone was asking ki each and every ke sath hum kya karte hain. I guess kisi ne pucha tha. No, mujhe lag kisi ne pucha tha, chalo bata deta hu. Each and every sath mein aate tab kaisa hota hai. Theek hai, ईच एंड एवरी अगर हम साथ में यूज करेंगे तो क्या होगा इसमें. तो शायद मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी तो क्या करेंगे. तो मैंने बताया था कि इसको हम लोग पहली चीज तो दो से ज्यादा की यूज करते हैं, ध्यान रखना होता है क्योंकि एवरी फॉर मोर देन टू आता है. ठीक है, तो अगर ईच एंड एवरी हम साथ में यूज करें तो फर्स्ट ये चीज का तो हम ध्यान रखना ही है. ठीक है, और मैंने बताया था एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर कभी ऐसे पूछा जाए. देखो ईच पता है ना, सबके लिए दिखा रहा है, ईच जनरली चॉइस ही दिखा रहा होता है अगर हम ईच सेंटेंस में यूज करते. तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ देयरफॉर टू सोल्जर्स एंड ईच एंड एवरी सोल्जर was equal to 5 policemen. ठीक है, कि there were two soldiers थे और हर एक soldier 5 policemen के बराबर था. This is a question you have to find the error. We can do this thing. One more thing. Sir, two नहीं आएगा. अच्छा देखो एक और चीज बताऊंगा मैं इसके साथ में. This is a A. This is a B. C D E. तो no error. Error है. सर A वाले में two नहीं आएगा. A वाले में two नहीं आएगा. बिल्कुल आएगा. नहीं सर two yes. आएगा. ममता यस बी में एरर क्या होता है नहीं आएगा यहां पर. करेक्ट, ठीक है, तो करेक्ट यहां बिल्कुल सही बोलो कि यहां पे क्या है, बी में एरर है. ठीक है, और बी में हम क्या करने वाले. हां देखो अच्छा एक चीज समझो जरा, जब लोग बात कर रहे होते हैं कैसे अगर किसी जगह पे टू दिया हुआ है सेंटेंस में, हम लोग कभी भी फैक्ट चेंज नहीं करते और ना ही फैक्ट्स को हम गलत बता सकते हैं. ठीक है, अगर उन्होंने कहा दो सोल्जर है तो वी कैन डिनाई दैट कि हाँ दो ही होंगे. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक चीज पढ़ाई कि अगर ईच एंड एवरी अगर साथ में यूज किया जा रहा है, इट शुड बी यूज्ड फॉर मोर देन टू, ये दो से ज्यादा के लिए आना चाहिए. लेकिन क्योंकि डिफाइन कर रखा है कि दो ही है सोल्जर्स, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हटा देंगे. ठीक है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच सोल्जर रहेगा. करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा देयर वर टू सोल्जर्स एंड ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन. ठीक है, तो सो दो सोल्जर्स थे और दोनों ही यानी हर एक सोल्जर जो था वो 5 पुलिसमैन के बराबर था. ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ईच यूज करते हैं, दो के यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना देयर वर 3 सोल्जर्स या देयर वर सम सोल्जर्स तभी सही हो जाता, या फिर फ्यू सोल्जर्स कुछ भी ऐसा लिखा जाता, तो अगर ये डिफाइन नंबर डिफाइन नहीं कर रहा होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन नंबर क्योंकि डिफाइन कर दिया था इसलिए कैसा जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आई गेस ईच और एवरी का यूज क्लियर होगा सबके लिए, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. बहुत इजी सी चीज है और छोटा सा टॉपिक है.
रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल का हमें पता है ना, अच्छा हम लोग अगर मैथ्स में बात करते हैं तो वन ओवर समथिंग लगा देते हैं उसका रेसिप्रोकल, अपोजिट उसका उल्टा है, ठीक है? जैसे लोग ईच अदर की बात करते हैं, वन अनदर, तो ये इसे कह देते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की बात कर रहे होते हैं। व्हेन वी से वी अंडरस्टैंड ईच अदर, इसका मतलब मैं तुम्हें समझता हूँ एंड उसका उल्टा भी सही, तुम मुझे समझते हो, ठीक है? इट इज यूज फॉर टू एंड इट इज यूज फॉर मोर देन टू। ईच अदर यूज करते हैं दो के लिए एंड वन अनदर यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए। ऑल्दो बात करते समय इफ यू आर टॉकिंग, जैसे हम लोग बात करते हैं ना लिखने के अलावा, अगर हम बात करते हैं तो ईच अदर हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, फाइन। लेकिन एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग तो ईच अदर दो के लिए यूज किया था और वन अदर दो से ज्यादा। इफ कैन इफ यू गेट ए क्वेश्चन Five brothers are at Dagger's Drawn. So they feel it blow their dignity to talk to each other. ठीक है, लास्ट में नो एरर, बहुत ही सिंपल से क्यों चाहिए यहाँ पे टॉक टू वन अनदर, ठीक है ना? क्योंकि हमने बात की कितने की, देर आर फाइव ब्रदर्स, पांच हैं एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? दिस इज अ फ्रेज इडियम है, हमारे इडियम फ्रेज में आता है, दिस इज इडियम, सुना है? डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन मतलब सर एट लॉगरहेड्स, मतलब सर एट लॉगरहेड्स, बिल्कुल सही, एट लॉगर हेड्स सही है इसको भी। हाँ तो मतलब एक दूसरे से दुश्मनी है उनकी। एक्चुअली डैगर का मतलब होता है खंजर या तलवार ऐसा कुछ, ठीक है? तो जो हिंदी में मुहावरा है ना, तलवारें खिंचाना, ठीक है, तलवारें खिंचाना दुश्मनी हो जाना, ठीक है? तो when we are saying daggers drawn, इसका मतलब है कि उनके बीच में दुश्मनी हो गई है, इसलिए तो daggers drawn ये इसका मतलब है दुश्मनी हो जाना, ठीक है? तो the five brothers are at daggers drawn, इसलिए they feel it blow their dignity, अपनी शान के खिलाफ समझते हैं एक दूसरे से बात करना। तो हमने डिफाइन कर दिया पांच है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अनदर, ठीक है? तो रूल बहुत इजी सा है, बस हमें ध्यान देना होता है इस चीज पे, पता है? ऐसा नहीं कि हम कोई चीज पता है या नहीं पता है, बात उसकी नहीं होती, बात ये हम कितना अटेंटिव होके कितना ज्यादा अटेंशन पे करके उस चीज को ध्यान रख पा रहे हैं, ठीक है? तो सारे के लिए इसी का है, बस चीजें इजी है, बस ध्यान दे पाए हम उस तरीके का। चलिए, दिस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके? तो इजी सा क्वेश्चन आता है इस पे। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स क्या होते हैं? दिस दैट दीज दोज, इन्हें हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स। दिस दैट एंड दीज दोज, इधर पर डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स ये क्या करते हैं? दे पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं ये पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ते थे दिस और दैट का यूज, दिस इज समथिंग दैट इज समथिंग, यानी जो कोई चीज पास में है वो दिस है, दो वाली चीज दैट बोलते थे हम लोग, इसी का प्लूरल हो जाता है दीज एंड दोस, दीज आर समथिंग दोस आर समथिंग, ओके? इसमें देखिए पॉइंट आउट करने का मतलब यही है, सिंपल। अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, दैट चेयर, दैट पर्सन, ठीक है, दिस पेन, ठीक है? तो ये इसका काम होता है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो ऑफकोर्स हमें दिस इज दैट इज इतना इजीली हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हमें पता है कि। तो एग्जाम में क्या इस पे यूज होता है इसका वो देखते हैं। दैट विद इट्स प्लूरल, दैट का प्लूरल हो जाएगा दोस, ठीक है? तो दैट विद इट्स प्लूरल दोस इज यूज्ड टू अवॉइड
द रिपीटेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन क्या मतलब इसका कि दैट अपने प्लूरल के दोस्त के साथ क्या काम करता है, पहले आए हुए यूज कर रहे हैं उससे, फिर आप एक बार उसको लिख दीजिए, उसके बाद आप दोस्त के साथ उसको डिनोट कर सकते हैं। हाँ, दैट और दोस्त से डिनोट कर सकते हैं। प्रीसीडिंग का मतलब क्या हो गया, जो चीज पहले आ चुकी है, ठीक है। हाँ हाँ, तो जो नाउन पहले आ चुका है आप उसके रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते हो। देखो प्रोनाउन का काम ही यही है कि नाउन को रिपीट ना किया जाए, ठीक है। तो डेमोंस्ट्रेटिव नाउन वो काम करते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे पहले मैं केवल एक सेंटेंस लिखता हूँ ऐसे, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली। The climate of Dehradun is better than Delhi. ठीक है, ये वो चीज़ है जनरली बोलने में इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से कि देहरादून का क्लाइमेट दिल्ली से बेहतर है। सेंटेंस गलत है, सही है? देखो हिंदी में हम लोग इसी तरीके से बोलते हैं कई बार, जैसे हम बोलचाल वाली भाषा में कि वहां का क्लाइमेट यहाँ से अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमें बोलना क्या चाहिए कि वहां का क्लाइमेट यहाँ के क्लाइमेट से अच्छा है, मतलब हमें क्लाइमेट को क्लाइमेट से कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली। तो बेटर देन दिल्ली नहीं, दिल्ली से बेहतर नहीं, दिल्ली के क्लाइमेट से बेहतर है, ठीक है। तो हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या लिखते हैं, अगर हम देखें इसको एक्सटेंड करके, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। नहीं नहीं, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, यस सर, है ना। ये एक्चुअल में इसका एक्सटेंडेड वर्जन हुआ, यस आंसर, बाकी लोग सही लिख रहे हैं, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे हमने क्या किया एक्चुअल में, देखो ये इस नाउन को रिपीट कर रहे हैं, द क्लाइमेट एंड द क्लाइमेट, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, ठीक है। तब हमारा हो जाता है द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो ये जो दैट हम यहाँ लिखते हैं ये रिप्रेजेंट करता है क्लाइमेट को ही, इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम इसकी जगह दैट यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे द होटल्स ऑफ दिल्ली आर लग्जरियस देन देहरादून, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर लग्जरियस then the hotels of Dehradun, उसके बाद sir then के बाद आप then that of Dehradun, that of Dehradun फिर आप कर सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पे हम that ही लगाएंगे, बिल्कुल सही उनका यहाँ पे, और दिया correct answer। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देखो ये क्या है, नहीं नहीं देखो that नहीं आएगा, that आ रहा था क्योंकि कैसा था singular था, इसलिए हमने लिखा ना that, अपने hotel then those hotels है sir, yes sir, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं दैट, हमने जो ऊपर लिखा था दैट विद दोस, तो दैट विद इट्स प्लूरल, यानी कि दैट अपने प्लूरल दोस के साथ ही काम करता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, द होटल्स ऑफ देहरादून आर बेटर देन आर लग्जरियस देन दोस ऑफ द होटल, हां दोस ऑफ देहरादून, ठीक है। तो आई गेस क्लियर है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी से होते हैं और आराम से आप पहचान लोगे कि क्या गलती है कहाँ पे, ठीक है। तो देखोगे आप हमेशा क्या किया जा रहा होगा, किसने किसी का कंपैरिजन होगा, ठीक है, और उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बस इस चीज को फॉलो करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं ना, समझ में आ गई, ठीक है। बस जो ध्यान देने वाली चीज थी बस वही थी, सिंगुलर के साथ दैट लगाएंगे और अगर प्लूरल होगा तो हम दो लगाएंगे। चलिए, सो लेट मूव अहेड। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट अच्छा टॉपिक है हमारा, इससे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं ना माई सेल्फ, आवर सेल्फ, myself, ourselves, yourself, ये सब जितने भी हम यूज करते हैं, these are called reflexive nouns,
ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्यों नाम है इनका, क्योंकि एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, दे रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. हाँ, दे रिफ्लेक्ट द एक्शन, कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं देखते हैं. चलो कैसे यूज किया जाता है इसे, आई हर्ट, मैंने किसे हर्ट किया. अगर देखो, अगर मैं एक वर्ब यूज कर रहा हूँ, हम समझेंगे कि कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं जिनके साथ इसे यूज करना लाइक जरूरी होता है, कि उसके बिना हम इसे बात को बोल नहीं सकते. अच्छा, अगर मैंने हर्ट किया, आई हर्ट का मतलब क्या होगा, मैंने हर्ट किया. लेकिन मैंने अगर खुद को हर्ट किया है तो विदाउट राइटिंग ऑब्जेक्ट मैं ये बात बता नहीं सकता. ठीक है, आई वॉज हर्ट बोल सकता हूँ, आई वॉज हर्ट वो तो पैसिव हो जाएगा. एक्टिव सेंटेंस में अगर लिखना है इस चीज को, आई हर्ट है ना, तो मैंने अगर खुद को हर्ट किया, मैं किसी विदाउट ऑब्जेक्ट में बात को बोल ही नहीं सकता. तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हर्ट myself. तो ये आपका सब्जेक्ट है, दिस इज योर वर्ब, ठीक है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये क्या करता है, ये एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है वापस से किसकी तरफ, सब्जेक्ट की तरफ, कि मैंने हर्ट किया किसको, खुद को. ठीक है, तो ही दे रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट. ये एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं वापस से सब्जेक्ट की तरफ, दे रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट. और साथ ही साथ क्या कर रहा है, देखो उस वर्ब के ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है ना, उस वर्ब में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. तो दे रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो act as object of the verb. ठीक है, और verb के object का भी काम करते हैं. ठीक है, they are called reflexive noun because they reflect the action. Now, thing is किसे हम कहाँ पे use करने से, he killed. ठीक है, उसने खुद को मार लिया. अगर मैं यहाँ पे तो विदाउट, देखो जब भी कुछ वर्ब्स होते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ आप क्या करते हो, जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तब तक उनका एक्शन क्लियर नहीं होता. वर्ब हमारे दो कैटेगरी में होते हैं, हम थोड़ा सा समझ सकते हैं वर्ब इस वाले पार्ट को वर्ब के. एक होता है हमारा ट्रांजिटिव और एक होते हैं हमारे इंट्रांजिटिव. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है इसके साथ में. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रांसिटिव वो होते हैं जहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए काफी होता है, लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट अगर आता है तो साथ में कोई ना कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, जैसे वर्ब के बाद आपने क्या लिखा है ट्रांजिटिव में, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन, ओके सर. या ठीक है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा. जैसे राम किल्ड रावण. ठीक है, अगर मैं केवल इतना लिखूं राम किल्ड, क्या मतलब होगा, राम ने मारा किसे, मारा. लेकिन हमें पता नहीं चला किसे, हमने किसी को भी नहीं बोल सकते, हम संबंध बोलेंगे अगर उससे किसी को बोलना हो तो भी. ठीक है, राम किल, तो ये एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा. जब कंप्लीट हो रहा का मतलब, जब हम एक एक्शन हुआ है किल, यानी कोई ना कोई संबंध हैज बीन किल्ड, लेकिन कौन मारा वो पता ही नहीं चला, यानी कि एक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही. एक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें कब मिलती है ऐसे केस में, जब हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं. तो व्हेन आई विल से राम किल्ड रावण, तभी ये कैसे हुआ, कंप्लीट हुआ, यानी कि इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, एक वर्ब लिखता हूँ जिसे रावण लाफ्ट. ठीक है, क्या मतलब हुआ, रावण हंसा. ठीक है, लाफ का मतलब होता है हंसा, और एक्शन कंप्लीट पता चल रहा है ना, कौन हंसा, रावण हंसा. लेकिन यहाँ पे कौन मारा ये पता नहीं चल रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया था पता चला, लेकिन यहाँ पे पता चल गया. तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो रावण लाफ्ट, एक्शन कंप्लीट ही है, लेकिन अगर मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है तो मैं कैसे, ठीक है, एट लगाते हैं हम लोग लाफ के साथ में, रावण लाफ्ड एट राम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रावण लाफ्ड एट राम, दैट्स व्हाई रावण किल्ड रावण. ओके, स्टोरी कंप्लीट यहाँ पे. तो
रावण लव्ड एट राम, तो जब भी आप इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाओगे ये कैसा आएगा आपका, प्रीपोजिशन के साथ आता है, ओके, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, समझ आया कुछ? अब हम, मैं इतनी कहानी मैंने क्यों बताई वो बताता हूँ कि ट्रांसलेट और इंट्रांसलेट की, ठीक है, ये जो वर्ब ऊपर हमने लिखा है किल्ड, ठीक है, ये कैसा है, ट्रांसलेटिव वर्ब है, जैसे हमने समझ लिया, यानी कि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक इसका एक्शन कंप्लीट नहीं होता, और अगर मैंने खुद को या किसी इंसान ने मैंने खुद को मार लिया, सामने वाले अगर किसी इंसान ने खुद को मार लिया तो हम कैसे बोलेंगे, he killed himself, तो without writing object, either you will say he committed suicide, उस तरीके से कुछ बोलोगे तब समझ में आता है, वरना अगर आपने इस वर्ब को यूज करके आपको बताना है कि उसने खुद को मार लिया तो बिना ऑब्जेक्ट के आप उस चीज को बता नहीं सकते, तो यहाँ पे लगाने रिक्वायर्ड कंपलसरी हो जाता है बिना ऑब्जेक्ट के। सर जो आपने अभी सेंटेंस बोला ही कमिटेड सुसाइड, तो वो भी सर जब तक आप सब्जेक्ट नहीं लगाओगे तब तक, सॉरी सर जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तब तक आपको क्या पता चलेगा ही कमिटेड व्हाट, वो हाँ वो बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली कमिटेड सुसाइड भी अलग से एक वर्ब ही हो गया ना, सर तो कमिटेड क्राइम वहां पे नाउन की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सही बोलो सर, जैसे यहाँ पे आपको जैसे ही किल्ड He killed himself. तो सर जब तक आपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया आपको ये नहीं पता चला कि उसने किसको मारा है, जब आपने himself लगाया तब आपको पता चला कि उसने खुद को मारा था, ठीक है, अब जब सर आप बोलोगे he committed suicide, मेरा मतलब ये था कि इस शब्द को इस्तेमाल करके मैं करूँ या तो आप बात को अलग तरीके से बोलो, वो बात अलग है, he committed suicide, उसमें हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं वो एक अलग चीज है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा है, आई एम सेइंग कि इस शब्द को यूज करके हम किसी और तरीके से नहीं बोल सकते, ठीक है, हाँ ये कमिटेड सुसाइड बट ठीक है, हम उसमें आगे लगा रहे हैं, ये कमिटेड द क्राइम अगर बोलते हैं तो क्राइम वहाँ ऑब्जेक्ट है, दैट इज फाइन, ठीक है, लेकिन हाँ मैं बोल रहा हूँ इस शब्द को इस्तेमाल करें या तो हम इस बात को इस शब्द को यूज ही ना करें तो अलग से कुछ और यूज करें, लेकिन इस वर्ड को अगर हम यूज भी करना चाह रहे हैं और हम इस बात को बोलनी भी है इसमें खुद को मान लिया तो विदाउट ऑब्जेक्ट हम इसे बोल नहीं सकते, तो हम इसके साथ लगाते हैं हिमसेल्फ जो एक्शन को वापस से ट्रांसफर करता है सब्जेक्ट की तरफ, तो ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके का कुछ करते हो कोई भी साइनेस तरीके के लिखते हो उसके साथ में क्या आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें लगाना पड़ता है, जैसे आई एंजॉयड द पार्टी, आई एंजॉयड एट द पार्टी, दोनों सेंटेंस सही है या कोई सा गलत है, मैं आपको बता देता हूँ बस एक चीज, एंजॉय जो वर्ड है देखो एंजॉय को हम लोग बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं, लेकिन अभी बता देते हैं एंजॉय कैसा है, ट्रांसलेटिव वर्ब है, ठीक है, एंजॉय इज अ ट्रांसलेटिव वर्ब, अब बताओ कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, सही कैसे करेंगे हम लोग, एंजॉयड एट द पार्टी सही है सर, एंजॉयड एट द पार्टी ठीक है, और एंजॉयड द पार्टी पता नहीं चल रहा सर, मैं बताता हूँ पार्टी है, हमने क्या पढ़ा, ये मैंने क्या बोला, ये कैसा है ट्रांसलेटिव है, ट्रांसलेटिव मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों अच्छा लगेगा, आई एंजॉयड द करेक्ट सर, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी गलत है क्योंकि मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, आई एंजॉयड myself at the party, ठीक है, क्योंकि आपको इसके साथ क्या लगाना है, enjoy के साथ आगे क्या आना चाहिए, ये आपका काम करेगा object की तरह, जो आप यहाँ myself लगा रहे हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे myself लगाना जरूरी हो जाता है, तो I enjoyed myself at the party, समझ आया, इसीलिए हम लोग देखोगे ना enjoy के साथ क्या लगाते हैं, मिजा enjoy yourself, ठीक है, तो enjoy के साथ हम हमेशा बोलते हैं enjoy yourself इस तरीके की कुछ, तो enjoy के साथ हमारा क्या आना चाहिए आगे word object आना चाहिए, नहीं आया तो भी बताओ और आ गया तो भी बताओ, कैन यू रिपीट द सेकंड सेंटेंस, यस वी कैन इवन राइट इट अगेन, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक सेंटेंस इस तरीके से क्वेश्चन होता है, आर एंजॉयड थोरली एट द पार्टी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, लास्ट में नो एरर लिखा है एंड यू हैव टू फाइंड द एरर हियर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंजॉयड थोरली एट द पार्टी, कि मैंने पार्टी में बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय किया, तो देखा जाए
तो enjoy के साथ मैंने क्या बता दिया, enjoy आपका क्या है, transitive verb है, यानी कि enjoy के साथ में subject plus enjoy plus object आना चाहिए. इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग generally बोलते हैं enjoy yourself, enjoy your dinner, enjoy the food, enjoy the party, ठीक है. तो आप किसके साथ क्या लगा रहे हो, subject, this is a verb and this is your adverb, then preposition. तो हमने भी अभी पढ़ा कि enjoy के साथ में अगला word क्या आना चाहिए, object आना चाहिए. यहाँ पे भी मिसिंग है, तो जब हम यहाँ पे ये लगाते हैं ना आई एंजॉय माई सेल्फ, ये क्या करता है कि इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है इतना इसे एक्सेप्ट करने में, प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि हमने एंजॉय को बचपन से पढ़ा है, हमने इसे जैसे मन चाहा वैसे यूज किया है, हमने इसे हिंदी में भी बोला है, मैंने वहां पर एंजॉय किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हम इसे ज्यादातर बिना इसको इंग्लिश में यूज किए, बिना इसके साथ प्रॉपर ऑब्जेक्ट लगाए, हमने इसे आराम से यूज किया है. किस वर्ड को हमने यूज किया हम गलत नहीं बोल सकते, पता है कौन सा है? जैसे अगर मैं बोलूं आई आई इंट्रोड्यूस टू द क्लास, क्वेश्चन नहीं है वैसे से, आई इंट्रोड्यूस टू द क्लास क्या मतलब होगा? क्या इतना काफी लग रहा है ये बोलना इंट्रोड्यूस टू द क्लास? नहीं नहीं, क्योंकि आपको पता चल रहा है, क्योंकि आप चाह रहे हैं बताओ तो इंट्रोड्यूस किया कि आपने, या तो बोल सकता हूँ आई इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक टू द क्लास, या फिर बोल सकता हूँ आई इंट्रोड्यूस माइसेल्फ अ न्यू स्टूडेंट टू द क्लास, ठीक है, आई इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टूडेंट टू द क्लास. तो ये सब क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे होते हैं और जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं या एक्चुअल में आपने क्या इंट्रोड्यूस किया क्लास, क्या इंट्रोड्यूस करवाया, किसी से मुलाकात करवाई, ठीक है. और जब ऐसा कुछ भी नहीं, दो मिनट सर प्लीज पीछे चले जाएंगे, मेरा थोड़ा मिस हो गया. नहीं नहीं, मैं अभी पीछे ही जाऊंगा, मैं भी पीछे जाऊंगा, इस वक्त ध्यान में बता रहा हूँ, अभी पीछे चलते हैं हम लोग, ठीक है. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर केवल इतना दिया है ऊपर वाला सेंटेंस, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया तो आप कैसे बोलोगे, आई इंट्रोड्यूस्ड मायसेल्फ टू द क्लास, ठीक है. तो ये मायसेल्फ एक्चुअल में क्या कर रहा होता है, इसके ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा होता है. जैसे आई इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, इससे सेंटेंस ये हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट बन गया. यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस अ न्यू सेंटेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया. वैसे ये लगा के क्या, अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप बोलोगे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द क्लास. तो जहां भी किसी सेंटेंस में अगर आप एक्शन अपने ऊपर कर रहे हो या अपने लिए बोल रहे हो, वहां पे आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है वहां पे, ठीक है. तो उस जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, माई सेल्फ, और इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने ये बात बोली थी कि एंजॉय के साथ ये लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ऐसे बोलते हो आई एंजॉयड द पार्टी, I enjoyed at the party. जब at the party केवल बोला जा रहा है, केवल इतना सा अगर बोला गया, तो it may sound correct, ठीक है, ये सुनने में सही लग रहा होता है, I enjoyed at the party, ठीक है, ये शायद सुनने में सही लगता है कि मैंने पार्टी में enjoy किया. और ये actually ना पार्टी में enjoy किया, ये कहना ये हमारे हिंदी का influence है इंग्लिश के ऊपर, ठीक है, जो हम हिंदी में इस चीजों को बोल लेते हैं. तो I enjoyed at the party, this is actually wrong. सुनने में मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने पार्टी में एंजॉय किया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्या. अगर सेंटेंस में लिखा होता ना आई एंजॉयड द म्यूजिक एट द पार्टी, सेंटेंस करेक्ट होता. आई एंजॉयड द फूड एट द पार्टी, सेंटेंस करेक्ट होता. अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है सेंटेंस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट हम इतना लिख सकते हैं आई एंजॉयड माइसेल्फ एट द पार्टी. इसके यूजेस को ध्यान करो. अगर जैसे अगर हम लोग कहीं मूवीज में नहीं देखते हैं और कोई पार्टी अगर चल रही है, ऊपर वाला तो नहीं दिखता था किसी को, कर लिया था सबने, कहीं भी अगर छोटा करके बताते करो, आई जस्ट कॉल इट, बता देना आराम से, ठीक है. अभी लिख लिया सबने, और एक दूसरे से इंतजार मत किया करो बोलने के लिए, कोई भी बोल दिया करो. आवाज आ रही है? यस सर. Yes, तो what do you wait for? समझ में आ गया था, लिख लिया तुमने? Yes. Okay, तुम लिख भी अगर पहले ही किया था तब भी बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है. Okay. ये समझ में आया थोड़ा बहुत जो हमने लिखा भी? हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं.
अच्छा यहाँ पे बता रहा था, तो जब जैसे टीवी पे देखते हैं ना मूवीज में अगर कुछ होता है तो अगर कोई पार्टी चल रही है होस्ट आता है गेस्ट से मिलता है और जाते समय एंजॉय योरसेल्फ इस तरीके से बोलते हैं। अभी क्या हम लोग तो भी नॉर्मल है, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं एंजॉय, हम केवल सामने वाले से केवल एंजॉय बोलेंगे वो तब भी एंजॉय करेगा ठीक है, लेकिन अगर इसे हम ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं तो एंजॉय योरसेल्फ ये पूरा बोलना चाहेगा ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय डिनर, एंजॉय फूड ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया ठीक है, ये वो वर्ब्स होते हैं। और हमें क्या होगा ना अगली बार हम लोग वर्ब्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो कुछ जगह होता है जहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे ये बिना इसके काम चल ही नहीं सकता ठीक है। अब देखो और कैसे यूज कर सकते हैं इसे, आई लाफ्ड, अब इस चीज को समझो, आई लाफ्ड एट हिम, मैं उस पे हंसा, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है ना ठीक है, मैं खुद पे हंसा कैसे बोलोगे, आई लाफ्ड एट माइसेल्फ, myself ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज है, जहां पे भी आपको एक्शन अपने ऊपर लेना हो, अपने ऊपर उस चीज को पॉइंट करना हो कि मैं खुद के ऊपर हंसा और मैंने खुद के लिए ऐसा किया, मैंने कुछ भी इस तरीके का, वहां पे आप यूज करते हो और इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स ठीक है, क्लियर है सबके लिए, यस सर, यस ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते, अब कुछ इसमें चीजें होती है ना, जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, अच्छा जैसे इसमें बताता हूँ इसके सेंटेंस कभी कभी किस तरीके से मिल जाता है, बहुत ही सिंपल, जैसे हम लोगों ने भी इंट्रोड्यूस कर दिखा था, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी ठीक है, इस तरीके से होता है, इसमें नो एरर लिखा है ठीक है, तो हमें पता है हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, हाँ ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन, यस ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारे पास यही आंसर है, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक बनता है हमारे वर्ड एम्फेसाइज से ठीक है, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है सर, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना है, एम्फेसाइज करना, किसी चीज पे जोर देना है ना, यहाँ पे कौन से वर्ड यूज किया जाते हैं, यहाँ पे भी सेम वर्ड यूज किया जाते हैं, माइसेल्फ himself, ourselves, ठीक है, तो ये वाले वर्ड यूज किए जाते हैं यहाँ पे भी ठीक है, तो emphatic pronoun क्या काम करता है वो देखते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं I completed the work, अगर मैंने काम I completed the work, sentence एकदम correct है ठीक है, कि मैंने काम कंप्लीट किया, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, आई माइसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा, ये क्या काम करते हैं, दे एम्फसाइज कि किसने काम किया, दे एम्फसाइज ऑन द नाउन और प्रोनाउन प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, जो भी नाउन प्रेजेंट जो भी दिया होगा जिसके साथ में लगाया गया उस पे एम्फसाइज करने का काम करते हैं ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, सो आई मायसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, जॉन हिमसेल्फ इंस्पेक्टेड द हाउस ठीक है, जॉन के साथ क्या लगा दिया हम लोगों ने, हिमसेल्फ, जॉन हिमसेल्फ इंस्पेक्टेड द हाउस ठीक है, जॉन्स इंस्पेक्टर द हाउस भी ठीक हो सकता था लेकिन मैंने साथ ये लगा दिया, जैसे अगर मैं लिखता हूं एक सेंटेंस, टाउन इज अ माइक ऑफ प्रोनाउन, यस सो अगर जैसे कि जो एम्फैटिक प्रोनाउंस है इनकी नीड नहीं होती, अगर सिर्फ आई कंप्लीटेड द वर्क लिखा होता तो ये भी करेक्ट होता, इसमें कोई एरर ना होता, बिल्कुल भी नहीं, हां ये इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो क्या होता है अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो रहा है
लेकिन आप इसे ना लगाओ तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, आपकी मर्जी है अगर आपको सेंटेंस इस तरीके से बोलना है। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, द टाउन इज नॉट वेरी लार्ज, मतलब शहर ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन अगर मैं जैसे कहीं पे गया हूँ और कोई मैंने देखा यार शहर में कोई बड़ा मॉल है, सामने वाले बोलता है ना कि शहर खुद ही कितना बड़ा है, ये कैसे बोला जाएगा? शहर खुद ही कितना बड़ा है, कैसे बोलेंगे? सर इटसेल्फ लगा करके, द टाउन इज नॉट इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, तो शहर खुद ही कितना बड़ा है, शहर खुद ही ज्यादा बड़ा नहीं है, तब हम इसे यूज करते हैं। तो बस ये बोलने का तरीका है, इसके बिना सेंटेंस गलत नहीं होता, ठीक है? एम्फेटिक प्रोनाउंस, अब बस क्या है ना, अब किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये दिया होता, रिफ्लेक्सिव दिया है, रिफ्लेक्सिव दिया और एम्फेटिक दिया है, तो आपके इसके बीच में डिफरेंस आराम से क्लियर समझ सकते हो ना, ठीक है? किसी भी सेंटेंस में अगर आप माइसेल्फ यूज कर रहे हो, एक बार माइक ऑफ करना किसी का, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बस थोड़ी सी। तो माइसेल्फ अगर आप किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो आप आराम से उसके बीच में डिफरेंस समझ सकते हो कि यहाँ पे है, अगर नाउन के प्रॉन वर्ब, ये वाला क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हमेशा वर्ब के बाद में आता है, ठीक है? वर्ब के बाद में जो आता है वो आपका क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है? क्योंकि किसी ना किसी एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वर्ब के बाद आता है मोस्टली, और ये वाला क्या आता है, मोस्टली वर्ब से पहले आ चुका होता है, ठीक है? या फिर नाउन, जो भी आप जिस चीज को एम्फसाइज कर रहे हो तो नाउन के साथ में आता है, जिस भी नाउन पे आपको एम्फसाइज करना है, इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो जॉन हिमसेल्फ ने उसने काम किया, और अगर इसे हम हटा भी देंगे तब भी सेंटेंस आपका सही ही है। इज इट क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव और इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ? तो जब भी हमें एक्शन खुद के लिए बताना हो, खुद पे रिफ्लेक्ट करना हो, तो हम रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। जब हमें एम्फसाइज करना हो कि मैंने खुद ऐसा काम किया, सामने वाले ने खुद ऐसा किया, तो हम यूज करते हैं इम्फेटिक, ठीक है? सर, यस, मुझे ऐसा एक डाउट था कि कभी कभी हम लोग सेंटेंसेस में ऑल बाय हिमसेल्फ और ऑल बाय माइसेल्फ यूज करते हैं, तो वो करेक्ट होता है कि इट्स जस्ट वी यूज व्हेन वी टॉक? और ही कंप्लीट ऑल बाय हिमसेल्फ, हाँ वो ठीक होता है, ऑल बाय हिम हिमसेल्फ, ठीक है? उसने खुद ही अलग काम कंप्लीट किया, इस तरीके से चल जाएगा ये, ठीक है? बाय हिमसेल्फ इज फाइन, हाँ यूज कर सकते हैं। और जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऐसे लिखेंगे, वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? सेंटेंस करेक्ट ही वाला, ठीक है? तो इस तरीके से हम लगाते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे, हाँ एक्चुअली खुद तो आए थे, हम एम्फसाइज करते हैं इस पे कि हम जैसे बोलते हैं वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, इसका मतलब हमने स्वयं प्रधानमंत्री को देखा, तो इट मींस दैट यू आर एक्चुअली एम्फसाइजिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर, दिस हिमसेल्फ इज फॉर प्राइम मिनिस्टर, जो कि वी टॉक अबाउट सम फेमस पर्सनालिटी, किसी बड़ी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं और चाहते हैं सामने वाला उस विश्वास करे, तो उस चीज पे एम्फसाइज करते हैं कि वो खुद ही थे, हमने उन्हीं के बारे में बात की है, फिर उन्हीं के उन्हीं को देखा, तो ये उनके लिए होता है। तो जो हम बोलते हैं ना कि वो स्वयं मौजूद थे या हमने स्वयं उनको देखा, तो ये उस केस में यूज हो रहा होता है ऑलमोस्ट, क्लियर? चलिए, तो आई होप सबको समझ आएगा रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिक में डिफरेंस, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, एक दो एग्जाम्पल के साथ में और समझ लेंगे, और बाकी आप एक बार जो भी आपने लिखा है से एक बार पढ़ के देखिएगा, और कुछ डाउट हो तो हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, राइट? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी कुछ भी चीज हो तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन रेडी रखिएगा, विल डिस्कस, चलिए, ओके, थैंक यू गाइस।